जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कि आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि SSC GD के जो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो है वो मैं जून में लेकर के आऊँगा, तो उसी तरह से मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखना और समझना, ताकि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज़ पर गौर करना। वैसे ये वीडियो तो पिछले साल भी SSC GD वालों के लिए मैं बनाया था, तो आप लोग उस वीडियो को शायद नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर में था तो नहीं देखे होंगे। इसलिए मैं नया से रिफ्रेश एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको जरूर देखें, ठीक है? और हर एक पॉइंट्स को मैं डिस्कशन कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को बता दूं, तो जितने लोग फिजिकल में क्वालिफाइड हुए हैं उनका एक अभी मेरिट निकल रहा है, जिसमें मेडिकल के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट आएंगे, जो मेडिकल के लिए जाएंगे, तो उनको ये बता दूं कि उनका मेडिकल कब से होना है। तो SSC GD वाली जो मेडिकल है, अभी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा, यानी मान के चलिए 14 या 15 तारीख से आपका मेडिकल 100% शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी से सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है और अच्छे से अपने आप को प्रिपरेशन करके रखना है मेडिकल के लिए। मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है, बल्कि आपका अभी फिजिकल नहीं है फिर भी फिजिकली प्रिपेयर रहना है। मेडिकल में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करवा दिए जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट डिस्कस कर देंगे। जैसा मैं डिस्कशन करूंगा वैसा ही आपका मेडिकल होगा, जरा सा भी इधर और उधर की बातें नहीं करूंगा, और जो बताऊंगा वही होगा आपकी मेडिकल में, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। मेडिकल से रिलेटेड मैं पहले बता दूं, तो मेडिकल जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेडिकल बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, मेडिकल बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मेडिकल खत्म और आप पास हो जाएंगे, ठीक है? कुछ बातें हैं उसको बता देता हूँ, जैसे पॉइंट्स में आपको जो जो चेक किया जाएगा उसके बारे में बताता हूँ। तो आईज चेक किया जाएगा, आईज में आपका आईज जो है वो 6x6 होना चाहिए, आपकी आंखें जो है वो 6x6 होना चाहिए, बोथ आईज लेफ्ट एंड राइट। पहले ऐसा कहा जाता था, और जो आपका मास्टर आईज है वो 6x6 हो, और जो मास्टर आईज नहीं है वो 6x9 होने से चल जाता था, लेकिन ऐसा मेरे को देखने के लिए आज तक नहीं मिला है जो 6x9 वाले फिट कर दिए गए। बोथ आईज 6x6 चाहिए, ठीक है? उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी चेक होता है, एक बुक होता है जिसमें 10-12 पन्ने होते हैं उसको पढ़ाया जाता है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होता है। उसके बाद एयर, एयर में क्या क्या चेक होता है, तो एयर में दो चीज़ चेक होता है, एक तो चेक किया जाता है आपके एयर के अंदर वैक्स है या नहीं, यानी गंदगी भी है, इसलिए आपको जाने से 2 दिन पहले आपके एयर की साफ सफाई करवा लेनी है। उसके बाद आपके एयर में चेक किया जाएगा कि आपके कान के पर्दे फटे हुए तो नहीं है, बस दो ही चीज़ चेक किए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद नोज है, नोज में क्या चेक किया जाएगा, आपके नोज के अंदर DNS, आपके नोज के अंदर DNS भी है क्या, यदि DNS है तो आपको री मेडिकल का पॉइंट मिल जाएगा। DNS का मतलब होता है नाक के अंदर एक जो बीच वाली हड्डी होती है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोग मेडिकल गाइडलाइन में DNS कहते हैं, ठीक है? इसकी सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी होता है, और ये लगभग 10-15 दिन में ठीक हो जाता है, जिसको है वो अभी देख लिया। उसके बाद आपके गला को चेक किया जाएगा, नेक, बस एक टॉर्च डाल के बस देख के चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके टीथ, आपके टीथ को चेक किया जाएगा, आपके टीथ के ऊपर भी रिमेडिकल मिलता है, तो 2 से ज़्यादा दांत में कीड़े नहीं लगे हुए होने चाहिए, सामने के दांत ठीक होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, आपको दांत में फिर रिमेडिकल नहीं मिलेगा। नॉर्मली तरीके से रिमेडिकल होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से रिमेडिकल आपका हो जाएगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में 3-4 तरह का ब्लड होता है, TSH3, TSH4 जिसको थायराइड कहते हैं। उसके बाद और भी ब्लड में जो pH वैल्यू होता है आपके ब्लड का चेकिंग होता है। उसके बाद शुगर टेस्ट होता है, ब्लड के जरिए ही शुगर टेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है आपका, यूरिन टेस्ट के बाद आपका एक्सरे होगा, एक्सरे एक चेस्ट का होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है बस। उसके बाद आपका BP चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर, तो एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, तो 120/80 आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो 120/80 आपका ब्लड प्रेशर तब होगा जब आप बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है? हाइट और वेट ये चेक किया भी जा सकता है, ठीक है? हाइट के ऊपर थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है, किसी भी सेंटर पर चेक किया जाता है, किसी किसी सेंटर पर दोबारा से चेक नहीं किया जाता है, ठीक है? और वेट तो चेक लगभग सेंटरों पर दोबारा से किया जाता है, ठीक है?
ठीक है, जिसको ओवर वेट दिया है उसको जितना वेट बताया गया कम करने के लिए उतना कम करके लाना है, जिसको अंडर वेट दिया है जितना वेट बढ़ाया गया है उतना वेट आपको बढ़ा के जाना है, ये वेट में हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया नोकनी, आपके जो पैर में नोकनी है नोकनी को चेक किया जाता है। उसके बाद फ्लैट फुट, जो नीचे में फ्लैट फुट है उसको चेक किया जाता है, आपको सुला देंगे जमीन पे लेटा देंगे, लेटा के आपके फ्लैट फुट को और नोकनी को भी खड़े खड़े चेक कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कैरी एंगल, जो ये दोनों हाथ होता है ये दोनों हाथ के हड्डियों को चेक किया जाता है हाथ को सीधा करके, तो आपका कैरी एंगल एट मेडिकल इंस्ट्रक्शन के अनुसार 15 डिग्री तक आपके कैरी एंगल को फिट किया जाता है। 13 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेडिकल इंस्ट्रक्शन के अनुसार, लेकिन मैंने 21 डिग्री तक कैरी एंगल को फिट करते हुए देखा है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। और आपको बता दूं कि कैरी एंगल का कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो कैरी एंगल को ठीक कर दे, ये जन्मजात होता है, इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। जो हड्डी टेढ़ी है उसको सीधी नहीं की जा सकती, ना कैरी एंगल ठीक हो सकता, नोकनी थोड़ा बहुत आप अपने आप के माइंड को एडजस्टेबल कर देंगे तो आपके नोकनी ठीक हो सकते हैं। उसके बाद आपके हाइड्रोसिल चेक किए जाएंगे। हाइड्रोसिल में एक सिनेरियो है, वो जिस किसी भी कैंडिडेट को हाइड्रोसिल है वो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन यदि करवाए है तो एट द टाइम ऑफ डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन 3 महीने पुराना वो ऑपरेशन होना चाहिए, तभी तो आपको फिट किया जाएगा, ऐसा मेडिकल इंस्ट्रक्शन कहता है। लेकिन 1 महीना पुराना ऑपरेशन भी फिट हो जाता है यदि उसके घाव ठीक हो जाते हैं तो, जल्दी से ठीक हो जाते हैं तो। हर किसी का घाव जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ। और जिनके भी हाइड्रोसिल है अभी वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो बिल्कुल अभी ना कराएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत मेडिसिन ले ले, डॉक्टर की सलाह ले ले, वो हो सकता है थोड़ा बहुत उससे ठीक हो जाए। ठीक है, और एक बात बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हाइड्रोसिल नहीं है लेकिन ठंडी की वजह से थोड़ा बहुत आ जाता है, बहुत सारे लोगों में आ जाता है, तो गर्मी का टाइम है अभी नहीं आने का, उस तरह का चांसेस नहीं है। उसके बाद पाइल्स, पाइल्स एक हेमोराइड्स पॉइंट है जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार दिया गया है कि यदि आपके पाइल्स है या हेमोराइड्स है तो आपका ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ डीएमई 6 महीना पुराना होना चाहिए, ऐसा मेडिकल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यदि आपको पाइल्स है तो आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप ऑपरेशन बिल्कुल मत करें, डॉक्टर ही सलाह ले, डॉक्टर जो आपको बताएगा विदाउट ऑपरेशन, जो मेडिसिन लेने के लिए बताएगा आप लीजिए डॉक्टर की सलाह, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ना करें, डॉक्टर जो आपको बताएगा उस हिसाब से आपको काम करने हैं, तो आपका पाइल्स का भी काम हो गया। 2 मेन हो गया, एक हाइड्रोसिल और एक पाइल्स। उसके बाद हो गया एक टैटो, बहुत सारे लोग टैटो बनवा करके जाते हैं, तो टैटो वाले आपका डायरेक्ट आरएमई है, यानी डीएमई में आपको डायरेक्ट आरएमई दे दिया जाएगा, क्योंकि टैटो बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी भी शरीर के किसी भी अंग पे टैटो अलाउड नहीं है, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, टैटो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो टैटो के लिए आपको डायरेक्ट आरएमई दे दिया जाएगा। जिन किसी कैंडिडेट को अभी ऐसा है कि फिजिकल कंप्लीट कर लिया है, वो उनके पास टैटो है, उसने टैटो बनवा रखा है, तो आप किसी भी अच्छे सर्जन के पास जाइए और उस टैटो को सर्जिकल तरीके से रिमूव करवा दीजिए, कोई भी एसिडिक एक्टिविटी करके उसको रिमूव नहीं कराएंगे, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद वेरिकोज वैन होता है एक, जो आपके पैर में होता है, वेरिकोज वैन होता है जो आपके पैर में होता है, वो वेरिकोज वैन में भी चेक किया जाता है, तो उसके लिए जिनको अभी वेरिकोज वैन का टेंशन है और हो सकता है उनका वेरिकोज वैन हो, तो वो बिल्कुल जाकर के डॉक्टर से बताए, ऐसा बहुत सारे मेडिसिन है कि आपको वेरिकोज वैन मेडिसिन के जरिए ठीक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो आप लोग डॉक्टर की सलाह के जरिए उसको सही करवा सकते हैं। जब कभी भी आप, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए, जितना पॉइंट्स मैंने बताया यही पॉइंट्स आपके मेडिकल में चेक होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका मेडिकल होगा, बिल्कुल हार्ड भी नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा, आप 100% क्वालिफाई करेंगे, हमारे पे बिलीव कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी आपका मेडिकल में चेक होने वाला नहीं है, बल्कि आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखिएगा, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, हंसते हुए जाना है, फिट होकर बाहर आ जाना है। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूँ कि मेडिकल में जाने से पहले ध्यान रखने वाली बातें, आपके शरीर के जितने भी प्राइवेट पार्ट्स के हेयर है उसको रिमूव करके जाए और अच्छे से रिमूव करके जाए, और दूसरी बात, पहला बात सारे प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को रिमूव करके जाए, दूसरी बात आप जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो पूरे शरीर में स्नान करके जाए, अच्छे से स्नान करके जाए, आपके बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपके बॉडी से स्मेल आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो स्नान करने के बाद एक अच्छे से परफ्यूम का यूज़ करते जाए, अच्छे से परफ्यूम का यूज़ करते जाए, ताकि आप जिनका बॉडी ज़्यादा स्मेल करता हो तो अच्छे से परफ्यूम का यूज़ करके जाए तो बेटर होगा उनके लिए।
और भी आपके मेडिकल के टाइम में आपका डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जैसे कि आपको 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड जीरोक्स, 10th का ओरिजिनल रिजल्ट एंड जीरोक्स, उसके बाद 10th ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड जीरोक्स, उसके बाद आपका आधार कार्ड विद ओरिजिनल विद जीरोक्स, फादर का आधार कार्ड विद ओरिजिनल विद जीरोक्स, उसके बाद 3 कॉपीज आपके कलर पासपोर्ट साइज फोटो, आपके फादर के 3 कलर पासपोर्ट साइज फोटो ये लेकर के जाना है। साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उसके साथ में जिस किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपके पास में ओरिजिनल विथ जीरोक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल का सिनेरियो चलेगा। किसी सेंटर पे 1 दिन में मेडिकल कंप्लीट होगा, किसी सेंटर पे 2 दिन में मेडिकल कंप्लीट होगा, किसी सेंटर पे 3 दिन में भी मेडिकल कंप्लीट होगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटर कैसा है। तो मेडिकल काफ़ी फास्ट होगा, बहुत ही जल्दी मेडिकल निपटा लिया जाएगा, और हम आशा करते हैं कि नवंबर स्टार्टिंग वीक से आप सभी का ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगा, और आपका रिजल्ट जो है वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर की स्टार्टिंग में फाइनल मेरिट जो SSC GT की है वो घोषित होने वाली है, ये 100% बता रहा हूँ, और आपका ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो यदि देखे है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी भी कैंडिडेट को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप उस पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट का फोटो भेज सकते हैं, हम आपको उसके बिहाफ पे बता सकते हैं जो क्या करना है ताकि उसे फिट हो जाएगा। 100% जो मैं पॉइंट बताऊँगा वैसे आप फिट हो जाएंगे, और बिना किसी के सहायता लिए हुए, यानी किसी को पैसा दिए हुए, आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में फिट होकर आएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी दलाल को पैसा नहीं देना है, कोई भी दलाल आपको फिट नहीं करवा सकता है, किसी भी दलाल को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें, दलाल आपको बताएगा कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पहले आप मेडिकल करवा लीजिए फिर आप पैसा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने दम से फिट होंगे कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए आप संभल के रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अगल बगल के लोगों से थोड़ा बच के रहिए, बाइक का रेडिंग कम कीजिए ताकि पैर हाथ ना टूटे, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, भोजन अच्छा लीजिए, डाइट को अच्छे से पालन कीजिए, आप 100% मेडिकल में सक्सेस होंगे। @FauziGanpati का यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और आपके सारे पॉइंट्स जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। ये जो मैंने मेडिकल का सिनेरियो बताया है इससे ज़्यादा कभी भी मेडिकल में नहीं होगा, 100% दावा करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, आप सभी के लिए कटअप का वीडियो लाना मैं शुरू करूँगा कल से, फाइनल कटअप का वीडियो, फाइनल मेरिट का वीडियो कल से लाना शुरू करूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, बहुत जल्दी मुलाकात होगी कटअप के साथ, जो SSC GT की फाइनल मेरिट है उसके कटअप के साथ कल से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।